नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीई कोचिंग पर। अपन बात करेंगे कृषि अनावश्यक भर्ती 2019-20 के बारे में। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया है। ये किन एग्ज़ाम से संबंधित है? एक तो लिखा हुआ कनिष्ठ अभियंता संयुक्त स्थिति भर्ती परीक्षा 2020, एक लिखा हुआ है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विभाग की, और एक अपने अनावश्यक स्थिति भर्ती परीक्षा 2019। अनावश्यक स्थिति भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम 27/12/2020 को हुआ था, जिसका पेपर कोड 67 था। दोस्तों, इसकी आंसर की 4 मार्च को जारी कर दी गई है, ऑफिशियल आंसर की थी जो आपने मिलान कर लिया होगा। लेकिन जब तक इसकी फाइनल आंसर की नहीं आती, तब तक अपन इसकी कट ऑफ के बारे में बात नहीं करते हैं, और केवल ये बता रहा हूँ आपको कि किन किन प्रश्नों पे आपको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप। तो सबसे पहले अपने पास कब से कब तक अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, वह भी ऑनलाइन होगा। तो देखिए, लिखा हुआ इसमें ऑनलाइन आपत्तियाँ दिनांक 6 मार्च यानी आज से दिनांक 8 मार्च रात्रि 12 बजे तक दर्ज करवाई जा सकती है। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी यहाँ वेबसाइट दे रखी है। तो देखिए, ये प्रेस नोट है जो 4 मार्च को जारी किया गया, 3 एग्ज़ाम से संबंधित है, ये 3 भर्ती एग्ज़ाम से संबंधित। अब अपन देखेंगे कि इसकी क्या कट ऑफ रहेगी। अभी तक अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, कम से कम 50 के आसपास स्टूडेंट से मेरा संपर्क हुआ है, कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने जो अपना नंबर मार्क्स बताए 80 से लेके 115 तक वाले बच्चे हैं। 80 वाले ने भी फ़ोन किया है और 115 वाले से भी बात हुई है। लेकिन जब तक इसकी फाइनल आंसर की नहीं आती, कितने परसेंट डिलीट होने के बाद फिर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी इतनी कट ऑफ रह सकती है। भर्ती काफ़ी छोटी थी, इसलिए कट ऑफ लगभग 100 के आसपास ही रहने वाली है। अब कितनी रहती है ये तो फाइनल आंसर की के बारे बाद ही बताएंगे आपको। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं इस एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। जब एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर को, तो सबसे पहले मैंने इसका इस पेपर का आंसर की यानी इसकी जो आंसर की थी, मेरे हिसाब से मैंने 28 दिसंबर को अपलोड की थी। जो सांख्यिकी के प्रश्न थे, गणित से संबंधित प्रश्न थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी विस्तार से बताया मैंने। हो सकता है इस भर्ती में नंबर नहीं आए, लेकिन इन फ्यूचर में जो इससे संबंधित भर्ती होगी उसमें ये पेपर रहेगा, सॉल्यूशन पेपर, वो आपके ज़रूर काम आएगा। नंबर आना नहीं आना एक अलग बात है। जो भर्ती आप नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी आप तैयारी कीजिएगा। नंबर आना है तो आ जाएगा, पॉइंटों से रहने वाला रह जाता है, तो हार नहीं माननी चाहिए और एक बार वापस अपने साथ तैयारी करनी चाहिए। आपने अच्छी तैयारी की तभी आप मेरे चैनल के साथ बने हो। जो बंदा अच्छी तरह से तैयारी कर रखा है वही बार बार वीडियो को देखता है यूट्यूब पर। किसी के कोई पर्सनल डाउट है तो कल मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें आपने बताया, अपने हिसाब से अपना आंसर मानते हैं, और आरपी जो अधीनस्थ बोर्ड है वो अपने हिसाब से आंसर की बताया है। तभी आप आपत्ति लगा सकते हो 6 मार्च से लेके 8 मार्च के बीच तक। दोस्तों, अपन इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक मैं इससे संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा। फाइनल रिजल्ट आएगा वो, इसमें भी आपको भी टाइम लगेगा, इसलिए आप अपना समय ज़्यादा ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मार्च लास्ट वीक तक इसकी सेकंड आंसर की आएगी, अप्रैल या मई तक इसका रिजल्ट आएगा। उसमें भी 3 गुना पास करेंगे, 3 गुने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो कम से कम ये प्रोसेस मेरे हिसाब से 6 महीने तक चलेगी। तो 6 महीने का अपना समय ख़राब मत कीजिए आप। अब एक बार आप इसको भूल के दूसरे भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, ताकि जो इसमें कमियाँ रही है वो आप उसमें पूरी कर सको। जल्दबाजी में प्रश्न वहाँ गलत हुए हैं, वो गलती आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में मत करना।
आप कितनी तैयारी कर लो, साल दो साल तीन साल, सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है वो एग्ज़ाम हॉल में, जो 3 घंटे का समय होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है। 3 घंटे आप किस प्रकार वहाँ निकालते हो, वहाँ जो गलतियाँ होगी वो सबसे बड़ी गलतियाँ होती है। सिलेबस आप एक बार कर लो, दो बार कर लो, 10 बार कर लो, लेकिन 3 घंटे वहाँ जो एग्ज़ाम हॉल के हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा लापरवाही से 5-10% गलत हुए हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इन फ्यूचर में जो भर्तियाँ होगी, जो आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें इस प्रकार की गलतियाँ ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।